दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे बहुत से प्रश्न पूछे, लेकिन एक प्रश्न है जिसमें पूछा है कि अमिताभ बच्चन जो कि सुपरस्टार थे, इतने बड़े स्टार थे, जंजीर से एकदम स्टार हो गए थे, आनंद से भी स्टार हो गए थे, दीवार से तो जैसे कि बहुत ही बड़े, उनको उतनी ऊंचाई पे पहुंच गए थे कि किसी को वहां तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे, और कोई इतना बड़ा स्टार पद किसी को मिला भी नहीं होगा। राजेश खन्ना के बाद उन्हीं का स्टार पद इतना बड़ा था। तो दोस्तों, कहते हैं कि अमिताभ को भी किसी ने फिल्मों से निकाल दिया था। दोस्तों, ये क्या था मामला, मैं बताता हूँ। ये थी फिल्म गुड्डी की कहानी। ऋषिदा ने जब गुड्डी फिल्म में अमिताभ बच्चन को साइन किया, उन्हें उनका कैरेक्टर था एक स्टार का, फिल्म में स्टार का कैरेक्टर था, और गुड्डी यानी कि जया भादुरी जो वो कैरेक्टर कर रही थी, वो स्टार को देख के उसमें पागल हो जाती है, उसके पीछे पागल हो जाती है, और वही कहानी थी एक मासूम लड़की की और एक सुपरस्टार की। तो दोस्तों, उसमें हुआ ऐसे कि जब अमिताभ बच्चन ने शूट कर लिया, पाँच छः दिन का शूट कर लिया, पाँच छः रील्स भी शूट कर लिए, उसके बाद अमिताभ बच्चन की फिल्में भी हिट होने लगी थी, जंजीर हिट हो गई थी, फिर आनंद भी बहुत हिट हो गई थी, दीवार तो बाद में आई, लेकिन आनंद फिल्म बहुत हिट हो गई थी। उसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं था और मद्रास में शूट कर रहे थे। तो ऋषिदा यानी कि ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को जब मद्रास में थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक मैसेज भेजा कि अमिताभ जी, मैं तो ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अमिताभ ने कहा कि मेरे पास अभी डेट नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको मैं गुड्डी फिल्म से निकाल रहा हूँ। अमिताभ बच्चन को शौक भी लगा कि मुझे फिल्म से निकाला गया। ये बातें ज़्यादा फैली नहीं थी, लेकिन ये किसी को ज़्यादा मालूम भी नहीं थी। लेकिन उस वक्त अमिताभ बच्चन को तो निकाल दिया, लेकिन ऋषिदा ने इतनी अच्छे तरीके से कहा कि ठीक है, ये फिल्म में हम लोग साथ नहीं, लेकिन आगे फिल्मों में करेंगे हम लोग साथ और रहेंगे साथ में। और अमिताभ को निकाल के धर्मेंद्र साहब को लेके उन्होंने गुड्डी फिल्म कंप्लीट की। गुड्डी फिल्म सुपरहिट रही और धर्मेंद्र साहब भी उस वक्त उनका यही ऑरा था, एक फिल्म स्टार का ऑरा था, तो बहुत ही सुपरहिट रही फिल्म। उसके बाद जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो सुपर डुपर हिट रही। अमिताभ बच्चन को जैसे उन्होंने कहा था कि हम लोग दूसरी फिल्मों में साथ रहेंगे, उन्होंने अपनी दूसरी फिल्मों जो भी बनाई उसमें उनको साथ दिया, उनके साथ रहे। तो ऐसे ही होता है। तो बहुत से लोगों को पता नहीं था कि इतने बड़े सुपरस्टार को भी निकाल दिया। तो जब किसी ने ये प्रश्न पूछा तो मुझे भी लगा कि हमारे दोस्त जो भी है बहुत माइन्यूटली ये सब जानते हैं, पहचानते और सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यही हुआ था कुछ मामला, यही मामला था अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकालने का। दोस्तों, ऐसे ही मुझे प्रश्न पूछते रहिए। आपका होस्ट, आपका दोस्त विपिन कुमार आपके लिए हमेशा तैयार है। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस देखने मिलेंगे। दोस्तों, मिलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।